सांप ऐसा रेप्टाइल है जिसे देख के इंसान डरता है और कुछ हिंदू लोगों में सांप की पूजा भी की जाती है। श्रावण में नाग पंचमी के दिन बहुत से लोग रियल सांप की पूजा करते हैं या फिर सांप की मूर्ति की पूजा करते हैं। सांप की पूजा करना हर इंसान की खुद की सोच है, कुछ उसमें मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं इस बात को। लेकिन रियल में सांप दूर से भी दिख जाए तो इंसान के होश उड़ जाते हैं, समझ नहीं आता कि खुद को बचाने के लिए क्या किया जाए। और रिसर्च से पता चला है कि सांप के टोटल 3400 जातियां हैं और उनमें से सिर्फ 600 सांप जहरीले हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बाकी सांप काटने पे कुछ नहीं होगा। कुछ सांप बहुत जहरीले होते हैं और कुछ कम जहरीले होते हैं, पर सांप काट ले तो जहर बॉडी में फैलने से पहले ही इंसान डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाता है। मेरे एक रिश्तेदार को सांप ने काटा था, तब वो डर की वजह से बेहोश हो गया था। अब सांप ने काटा है तो डर लगना जाहिर सी बात है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि जहर बॉडी में ज्यादा फैला नहीं था और इस वजह से उसे कोई खतरा नहीं था। पर क्या आप जानते हैं कि सांप का जहर बॉडी में फैलने के लिए कितना समय लगता है? जहर तुरंत बॉडी में फैलता नहीं है, जहर दिल और दिमाग में फैलने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जहर का असर पूरी बॉडी में होने लगता है। डॉक्टर के पास जाने तक 3 से 4 घंटे के बीच आप कुछ ऐसे घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे जहर का असर कुछ हद तक कम होगा। तो अब ये घरेलू उपाय है कौन से वो जानते हैं। पर अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उपाय के लिए यूज किए जाने वाली चीज बहुत आसानी से घर में मिल जाती है। अब जानते हैं सांप काटने पे कौन से घरेलू उपाय करके आप जहर का असर कम कर सकते हैं। हल्दी। हल्दी ऐसी चीज है जो घर में अवेलेबल होती है और इसके बहुत से फायदे हैं। हल्दी एंटीबायोटिक है और इस वजह से सांप के काटने पर भी ये असर करती है। तो सांप के काटने पर हल्दी यूज कैसे करें? तो हल्दी में थोड़ा सा तेल मिक्स करें, सांप ने काटी हुई जगह पर लगा के कपड़े से बांध दें। इससे सांप का जहर ब्लड में फैलने से रोक सकेंगे आप। अरहर की दाल। अरहर की दाल भी सांप के काटने में काफी असरकारक है। अरहर की दाल पीस के मरीज को खिलाना है जिससे जहर का असर कम होगा। अरहर की दाल एंटीऑक्सीडेंट भी है जिससे इन्फेक्शन कम हो जाता है। घी। सांप के काटने पर मरीज को 100 ml घी खिला के वॉमिट करने बोले और थोड़ी देर बाद उसे 10 से 15 बार गर्म पानी पिला के वॉमिट कराए, इससे जहर का असर कम हो जाएगा। लहसुन। लहसुन को पीस कर उसमें थोड़ा शहद मिक्स करें और सांप ने काटा उस जगह पर लगा दें। साथ में मरीज को थोड़ा सा शहद भी खिला दें जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा। टोबैको। टोबैको यूज करके भी सांप के जहर का असर कम किया जा सकता है। टोबैको को पानी में मिक्स करके उसका पेस्ट बनाइए और सांप ने काटे हुए जगह पर लगा दे, इससे भी जहर का असर कम हो जाता है। तुलसी। फिर है तुलसी जो एक हर्बल प्लांट है और इसका यूज भी बहुत से घरेलू उपाय में किया जाता है, तो सांप के काटने पे भी तुलसी यूज कर सकते हैं। मरीज को तुलसी के पत्ते पीस के खिला दे जिससे सांप का जहर का असर कम हो जाएगा। तो सांप के काटने पर आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं जिससे सांप के जहर का असर कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ इन्हीं उपाय पर नहीं रहे, बाद में मरीज का ट्रीटमेंट डॉक्टर से भी कराए ताकि कोई खतरा ना हो। आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।